विस्तार संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर उत्तर प्रदेश राजस्व सामयिक संग्रह अमीन कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन जिला इकाई का विस्तार किया गया है, जिसमें फहीम खान को वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अनिल सिंह को संगठन मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन के मंडल अध्यक्ष संजय कुमार दुबे ने नव नियुक्त पदाधिकारियों को उनके पद और जिम्मेदारी की शपथ दिलाई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडल अध्यक्ष संजय दुबे और नव नियुक्त उपाध्यक्ष फहीम खान ने कहा, सामयिक संग्रह अमीन संघ, मैं संजय कुमार दुबे मंडल अध्यक्ष, आज जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है, जिसमें दो नए पद सृजित किए गए हैं, दो लोगों को और नए पद दिए गए हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष फहीम खान एवं संगठन मंत्री के रूप में अनिल कुमार सिंह को चुना गया है, बाकी पुरानी कार्यकारिणी अपने आप में बहाल है। पुराने अध्यक्ष हमारे माननीय ओम प्रकाश लाल, वो जिला अध्यक्ष रहेंगे, मंत्री घनश्याम शर्मा भी रहेंगे, संगठन मंत्री धीरेंद्र दुबे भी रहेंगे, बाकी समस्त पदाधिकारी कोषाध्यक्ष हमारे मुनीस भाई रहेंगे। केवल दो पदों का विस्तार किया गया है संगठन में। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कुमार जी का धन्यवाद अदा करूंगा और महामंत्री प्रदेश दीपक भारद्वाज जी का, उनके निर्देश पर और हमारे मंडल अध्यक्ष संजय दुबे जी के नेतृत्व में आज यहाँ पे संगठन का विस्तार हुआ है। जिला कार्यकारिणी का यहाँ पे विस्तार हुआ है, जिसमें मुझे एक इस कमज़ोर कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद का। मैं पूरी पूरी प्रयास से करूँगा, कोशिश करूँगा कि संगठन को और मजबूत किया जाए, जो भी कमियां हैं उसको दूर किया जाए और संगठन के साथ साथ हमारे जो भी सामयिक संग्रह अमीन वर्ग के संवर्ग के लोग हैं, अनुसेवक संवर्ग के लोग हैं, उनके साथ जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, उनके साथ जो दिक्कतें आ रही हैं, हमारे माननीय लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो शहर है, हम अपनी मांग को लेकर उनके सामने जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद ही आशा भी है कि वो हमारी बात को ज़रूर सुनेंगे और हमारी जो भी दिक्कतें परेशानियां हम लोग के सामने आ रही हैं उसको अवश्य पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारा यही प्रयास है कि संगठन को और मजबूत और सुदृढ़ और सशक्तिकरण बनाया जाए।